Good morning, students. My name is Mitali. I'm your social science teacher. And as we have completed our 4 chapters, so today we are going to start our chapter number 5, which is natural resources. In this chapter, we will study what are natural resources. ये होते क्या है natural resources? और natural resources क्यों important है? क्यों चाहिए? Use क्या है natural resources का? और हम कैसे conserve कर सकते हैं? कैसे बचा सकते हैं अपने natural resources को? So today we will start with what are natural resources. So chapter number 5 is natural resources. तो पहले पढ़ते हैं बेटे कि natural resource क्या होते हैं. See, इस ये word किससे बना? ये word बना है nature से. Natural कहाँ से बना है? Nature से. तो कोई भी ऐसी चीज जो हमको किससे मिल रही है? Nature से मिल रही है, उसको क्या बोलेंगे? Natural resource. इसके example क्या क्या हो सकते हैं? For example, wind. एयर कहाँ से मिल रही है हमको? नेचर से. सनलाइट कहाँ से मिल रही है? नेचर से. वाटर कहाँ से मिल रहा है? नेचर से. और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं? वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. पहला क्या होता है? रिन्यूएबल, नाम से ही पता चल रहा है. और दूसरा क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल. सी, क्या होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यू मतलब दोबारा से आ जाते हैं और खत्म नहीं होते. वो चीजें कौन सी होती हैं? रिन्यूएबल, जैसे कि सनलाइट. सनलाइट कभी खत्म होती है? कभी नहीं खत्म होती. सो दिस इज माय रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल, जो चीजें खत्म हो जाती हैं, जो चीजें बिल्कुल लिमिटेड है, जैसे कि वाटर. कहते हैं ना, कंजर्व वाटर, वाटर को बचाओ, वाटर को वेस्ट मत करो. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर क्या है? हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है. अगर उसको हम वेस्ट करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएगा. सो दैट इज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो नाउ लेट्स रीड फ्रॉम योर बुक. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर बुक बेटे. Things that we get from nature are called natural resources. वो चीजें जो हमें nature से मिलती है, उनको क्या बोलते हैं? Natural resources. Sunlight, water, wind, forest and minerals are some example of natural resources. There are two types, renewable and non-renewable. यहां तक हमने discuss कर लिया है. So अब ये renewable resources क्या होते हैं? Renewable resources are inexhaustible. Inexhaustible क्या होते हैं? Inexhaustible होता है something that does not finish. ऐसी चीजें जो खत्म नहीं होती, as it exists in a huge quantity. वो इतनी ज्यादा quantity में वो कभी खत्म नहीं होती. So renewable resources are inexhaustible. These resources are found in plenty and do not reduce in quantity when used again and again. मतलब हम इनको कितना भी यूज कर लें, ये खत्म नहीं होती. The examples of renewable resources are sun and wind. ये हम already discuss कर चुके हैं. The second type of resources are non-renewable resources. ये क्या होते हैं बेटे? Non-renewable resources are exhaustible. Exhaustible क्या होता है? Something that can be used up or finished. ऐसी चीज जो खत्म हो जाएगी अगर हम यूज करते रहे. They exist in limited quantity. इनकी quantity क्या है? Limited है and cannot be used forever. और हमेशा हम यूज नहीं कर सकते. जैसे कि minerals, metals are examples of non-renewable resources. Fossil fuels, ये fossil fuels क्या होते हैं बेटे? Fossil fuels वो fuels होते हैं. See, fossil fuels are natural fuels. जैसे कि कोयला. पता है कोयला कहाँ से आता है? कोयला हम लोगों को मिलता है जब प्लांट्स जो होते हैं, जो गिर जाते हैं, जो टूट जाते हैं, जो एनिमल्स जो मर जाते हैं, वो जमीन के अंदर दबते चले जाते हैं. एंड इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर, उनकी बॉडी डीकम्पोज हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कोल में. सो ऐसे फ्यूल्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Fossil fuels. Fossil fuels are natural fuels formed from the remains of plants and animals buried deep inside the earth. They take millions of years to form. अब एक चीज जो millions of year में बन रही है और अगर हम उसको ऐसे ही use करेंगे तो क्या हो जाए? तो यानी कि एक चीज जो millions of years में बन रही है, उसको हम अगर ऐसे ही use करेंगे, unlimited use करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएंगी. So Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are some examples of non-renewable resources. तो ये क्या था बेटा? ये थे आपके resources, natural resources, जो कि हमने पढ़े कि होते क्या हैं और कितने types के होते हैं. दो type के होते हैं, renewable and non-renewable. So, thank you.
थैंक यू, बाय बाय।